चौड़ाला म्यूजियम के चारों ओर घूम लिया, आप क्या इरादा है आपका? सर मैं सोच रही हूँ म्यूजियम के चारों ओर तो घूम ली है और कुछ ना मिला, लेट्स लुक अप। अप? छत छान ली जाए सर, हो सके टेरेस पे कुछ मिल जाए, सुराग वगैरह। चौड़ाला छत नीचे आ रही है, है? हमारा मतलब है सुराग खुद ब खुद नीचे आ रहा है, वो देखिए जरा। अबे इधर बस 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 पूछ तो लीजिए, क्या भाई, क्या कौन क्यों क्यों? अरे हम है सनसनी श्रीवास्तव, न्यूज नॉनसेंस है। अबे न्यूज ना हो रही, नॉनसेंस नॉनसेंस हो रहा, तू यहाँ क्या कर रहा है रात गए इतने? अरे मैडम हम बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। हाय हाय। हमें खबर लगी इस म्यूजियम में 3000 साल पुराना मम्मी आया, तो हमने सोचा कि बस बस मम्मी चुरा ले। अरे नहीं मैडम, आप तो हमारे बारे में गलत ही सोचती है। हमने सोचा ये कि उसका हम फर्स्ट एक्सक्लूसिव शूट कर ले और न्यूज चैनल को बेच दे, इसीलिए बस हम कैमरा छुपा दिया था हमने यहाँ पर, न्यूज नॉनसेंस है। छुपा दिया था ना भैया, तो अब क्या करने आए हो बे? अरे सर हमने सोचा म्यूजियम हो गया है बंद, पुलिस भी चली गई है यहाँ से, हमने बोला छुपके से जाके अपना कैमरा ले आए, न्यूज नॉनसेंस है। कैमरा? मैंने अपना कैमरा छुपाया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। हाँ मैडम, एकदम इम्पोर्टेड कैमरा है, 64 GB की मेमोरी है, एकदम एक्स्ट्रा बैकअप, और 3 दिन रिकॉर्डिंग चल सकती है इसमें, न्यूज नॉनसेंस है। 64 GB 3 दिन का रिकॉर्डिंग है इसमें। अरे मेरा लाल, अरे मेरा कैमरा, अरे सर कैमरा मेरा, देते 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 देते। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं कि तुम होती तो खर्चा होता, तुम ये मांगती वो मांग। Oh my God, यार कमाल है, तू तो कमाल ही कर रहा, क्या लिखता क्या बोलता है यार। मैं अभी लप्पी से मिलके आ रहा हूँ यार, उसने मुझे कहा गोपी तू ना अपने दोनों पे ना कोई कविता लिख, ऐसी कविता लिख कि बस कमाल ही हो जाए। गुरु तू ना एक कविता लिख दे मेरे लिए प्लीज, और बस नीचे ये लिख देना भी मैंने लिखी है, गोपी आवारा। आवारा ये मेरा चकल्लस है ना, तकल्लस या दिस वन। भैया मैं लिख तो दूंगा लेकिन मैं मतलब फिर ये सब जो है ना थोड़े से इंटेलिजेंट सोचने वाले काम हो जाते हैं ना, इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ मतलब अपने आप में से कुछ ऐसी चीजें छांट के आप मुझे बताइए जिस पे मैं लिख सकूं, मुझे सब्जेक्ट दीजिए, कुछ विषय होता है ना, कुछ एक चीज अपने अंदर की ऐसी बताइए जिस पे फिर मैं लिखना शुरू करूं। मैं लिख दूंगा, मेरा तो मैं लिखता हूँ ऐसे, बहुत लिखा है मैंने। कुछ बताइए कि मतलब कि कोई जैसे अपना कोई शरीर का अंग हो जो उससे शुरू करके मैं लिखूं, फिर मुझे मिल जाएगा ना एक शुरुआत मिल जाए, फिर मैं लिख दूंगा पूरा। मुझे मेरी आंखें बहुत पसंद है, मेरी कजरारी आंखें हैं ना उसके ऊपर। भैया कजरारी नहीं है, कजरारी नहीं है, कजरारी अलग हो जाती है, आपकी आंखों का कलर अलग है, मतलब कि काला क्या, हाँ गटर के पानी का जो कलर होता है ना एकदम गंदा काला मैला, वो कलर है। अब अगर इसमें ऐसा झूठ वूट लिखना है तो फिर मैं नहीं, अगर आप बोलो फिर मैं बोलूँ नीली नीली ये होती है, अब ये नीली है आपकी आंखें नहीं है, तो वही है ना जो कलर उस पर लिखवाए, जो सच्चाई है वो हकीकत उस पे लिखी जाती है ना चीजें, झूठ तो नहीं लिखा जाता इसमें कुछ भी। मेरी आंखें गटर के पानी जैसी काली हैं। हाँ वही कलर है ना सेम। नहीं ये रहने दो यार। नहीं नहीं भैया एक लाइन इस पे मुझे आ गई कि कलर गटर की आंखों से जो देखा तुझे तो दिखी तू साफ साफ। वाला कलर गटर की आंखों से जो देखा तो दिखाई दिया साफ साफ, फिर चश्मा गिर गया, करना मुझे माफ माफ। अब ठीक है चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं, अब तू मेरे बालों के ऊपर जरा लिख। ये काट दो। हाँ काट दो इसको। बाल, मेरे बाल मुझे बहुत पसंद हैं, मैं चाहता हूं लप्पी मेरे इन बालों में आके गूंथ जाए। ये बाल है भैया,
है बाल यहाँ? कोई बाल है? बिल्कुल सपाट है, एक बाल नहीं है वहाँ पे, एक बाल नहीं आपके सिर पे, ये तो बिल्कुल मतलब गुथने की बात आप कर रहे हो, रगड़ के कोई गिर जाए नीचे। इतना मतलब कि क्यों झूठ इतना भैया? कुछ तो मतलब जमीर आपका जिंदगी सब बेच दिया मतलब। नहीं चलो कोई बात नहीं, इस पे रहने दे। झूठ तो मत लिखवाओ ना। नहीं झूठ नहीं, मैं कैसे ही मतलब है। चलो अभी हम कमर पे आ जाते हैं, लिख कुछ मिल, ऐसे लिख भी मेरी पतली कमर के ऊपर कुछ ऐसे दो शब्द बढ़िया से लिखते मतलब। क्या हुआ? यहाँ आइयो। हाँ सर, एक मिनट भैया, एक मिनट जरा खड़े हो ना प्लीज। क्यों? नहीं प्लीज, दो मिनट खड़े होइए ना प्लीज। ये जो चीज है ये, इसको क्या कहेंगे? कमरा। चलो जाके बाहर खेलो, फिर कभी रिपोर्ट लिखेंगे। हैं चलो आगे, मुंह उठा के छोड़ो यार। नहीं नहीं, इस पे अब मैं लिखूं कमर पे कुछ? नहीं नहीं, रहने दो भैया प्लीज प्लीज। कोई बात होती है ना तो उस पे बात बनती है, उस पे लिखा जाता है। अब जो लिखने वाले हैं ना वो पलकों पे शेर लिख देते हैं, पलकों पे। तो ठीक है, पलकों पे लिख दे, मेरी पलकों पे कहाँ है? सब तो झड़ गई है। झड़ गई है, मत लिख, मत लिख, कुछ मत लिख। तू हंस ले, तू मजाक उड़ा रहा है मेरा, तू नहीं चाहिए तेरी कोई, नहीं चाहिए तेरी कोई। सर इसका मतलब हमारा शक सही निकला, ये मम्मी ताबूत से खुद अपने आप बाहर निकल गई और निकल ली हैं? मैडम अब तो आपको यकीन हो गया कि ये मम्मी शापित है जो बाहर निकल गई है? या मॉम, अब ये मचा देगी तबाही इज्दा, मेरी बीवी ने एक बार मेरे ही खिलाफ दी थी गवाही इज्दा। मिस चौटाला, इस मम्मी को जल्दी से जल्दी अपने काबू में करना होगा, वरना कहीं शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैं वादा करती हूँ सर, जितनी जल्दी हो सके यो 3000 साल पुरानी मम्मी हमारे काबू में होगी। हो गया। तेरा है? तेरा है? ये मेरा है। यार गुलगुले, ये सब करने के बाद कहीं हम सड़क पे तो नहीं आ जाएंगे? भैया आप तो आ ही जाएंगे। यार गोपी सड़क पे आ गए तो सड़क ही ठीक है यार, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, वो ज्यादा जरूरी है ना। जब चौपाल यही मचानी है, काम वाम कुछ करना ना है तो नौकरी छोड़ दो ना। क्यों के? हम तीनों के रेफ्रिजरेटर। रेजिग्नेशन या दिस वन? इस्तीफे? किस खुशी में? मैडम हमें ये नौकरी नहीं करनी है, हम नौकरी छोड़ रहे हैं। अबे बॉय पूछ रही हूँ किस खुशी में? हमें मरी हुई मम्मियों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी जी। मैडम हमने भी पुलिस की ट्रेनिंग ली है मैडम,
लेकिन वहां पर हमें सिर्फ जेब कतरे, मवाली, गुंडे इन लोगों को पकड़ना सिखाया गया था। जो आपने नहीं सीखा। मैडम अब जो भी है, मैडम इस मम्मी को पकड़ते पकड़ते अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अपनी मम्मी का क्या होगा? मैडम मेरा एक परिवार है, मैं ऐसी रिस्क नहीं ले सकता। मैडम मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी तो। अबे क्या बोल रहा है? हाँ जी जी मम्मी जी, लप्पी लूथरा तो रो रो के मर जाएगी जी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम में से किसी को आंच तक ना आएगी, यो हमारा वादा है। हाँ अगर मैं मर गई तो उसके बाद की नहीं। मैडम एक बात कहूं, मैडम मैं डरपोक जरूर हूं लेकिन वक्त आने पे आपके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। मैं भी आई नो। हो गया? Yes! काम कर ले। हाँ। चलो भाई चलो। आइए 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 आइए, चलाना है बेटा, कुछ कही थे ना? अरे मम्मी आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये रावणपुर का सबसे सबसे खूबसूरत गार्डन है। आइए यहाँ आइए यहाँ आइए। है बेटा कुछ कही थे ना? मम्मी आपसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ये पेड़ देख रहे हैं आप? हाँ तो इसमें नया क्या है, जो नॉर्मली पेड़ होते वैसे ही तो पेड़ आई है। हाँ शराफत के सफारी सूट में यही तो गलत फहमी है ना आप लोगों की, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई माँ बेटे इस पेड़ को आधे घंटे तक पकड़ के खड़े रहे ना तो माँ के लिए इस पेड़ के ऊपर से सोने का हार गिरता है फॉर अ गिफ्ट, और बेटे को कैटरीना कैफ जैसी बीवी मिलती है। ये बात है बेटा, तुम बैठी हो जाऊंगी आधा घंटा पेड़ पकड़ के, हाँ सोने का हार मिलेगा, श्रृंगार अधूरा है। ये सुन लिया बराबर, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगी? हाँ तब तक सिस क्या करेगी शराफत के सफारी सूट में? अब ये क्या, इसके लिए मैं हूँ ना है? मतलब कि इसको जो चाहिए था वो तो इसको मिल चुका है ना? अब इतनी देर क्यों लगा रहे हो, पूरी डिटेल तो दे दिए ना, पकड़ो ना पेड़। हाँ चल 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 मम्मी चलो। इन्हें घुमा लाता हूँ, यहाँ और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है। कहाँ लेके जा रहे हैं? पकड़ो ना पेड़ यार, फिर कुछ नहीं गिरेगा नहीं तो। चलो बाकी एक बिल्डिंग है। हे पेड़, मुझे कम से कम 10 तोले का हार देना, श्रृंगार अधूरा है। और मुझे कैटरीना कैफ जैसी ब्यूटीफुल बीवी शराफत के सफारी सूट में। मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा, लेकिन क्या है कि आइसक्रीम खाओगी? दो देना। ये 2 रुपए नहीं 2 आइसक्रीम दे। पहले बोलने का था ना सब। यहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं, देखा मैंने। कितने पैसे हुए? 30 रुपए साहब। देता हूँ बाद में। Yeah. अच्छा दोस्त साहब आओ यहाँ बैठते हैं। खाओ। आइए सर, सर आइए 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 बैठिए। मैडम मैडम
मैडम मशहूर प्रोफेसर मिस्टर घोष को ले आए हुए। अरे नमस्कार सर, बैठिए बैठिए। सॉरी सर, जरा आपको जल्दी में बुलवाना पड़ा। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह ये मुझे लेके आए हैं वो गलत है। क्या करा सर इसने? मैं यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था, ये अंदर आए, इन्होंने बोला मेरे डैडी ऑफ हो गए। मैं रोता हुआ दौड़ा हूँ बाहर। मैडम इन्हें जल्दी लाने का और कोई तरीका भी नहीं था, क्लास खत्म होने का वेट करता तो बहुत लेट हो जाता। मैडम सर समझ लीजिए कि योर नहीं है। आई स्टिल हैव टीयर्स इन माई आईज। सर सॉरी अबाउट योर फादर सर। वो जिंदा है। ओ सर मैं क्या कह रही हूँ, आप जो है इस देश के सबसे बड़े इतिहासकार हैं, इज दैट करेक्ट? यस सर। आपने इजिप्ट की ममीज के ऊपर आपने डॉक्टरेट हासिल करी हुई है। यस मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं सड़कों पे मतलब इजिप्ट की ममीज के बारे में आप क्या जानते हैं सर? सब कुछ। तो सर आप ये बताइए कि एक ममी जो है ऐसा हो सके कि शापित हो, मतलब कर्स्ड हो, मतलब 3,000 साल पुरानी होने के बावजूद अचानक जिंदा हो के सड़क पे भगने लगे, लोगों को दिखने लगे, चलने लगे? जी नहीं, शाप वाप कुछ नहीं होता। मम्मी एक बार मम्मी बन जाए तो उसके बाद वो जिंदा नहीं हो सकती। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। यू आर श्योर ना सर? 100% श्योर। मैं श्योर हूं कि सर सर आप कुछ कह रहे थे सर? मैं श्योर हूं कि मम्मी जिंदा हो सकती है और चल भी सकती है। अरे सर अभी अभी तो आपने कही आपने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। आज देखा। के खिड़की खिड़की में देखा कुछ? नहीं मैडम, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या हुआ? क्या हुआ गुलगुले? मैडम यहाँ पर किसी ने कील रख दिया। मैडम चुप गई। अरे यहाँ तो कोई ना है। अभी अभी थी मम्मी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.